जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। सभी को अमरनाथ यात्रा 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को बता दूं मैं गाइस दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा 2024 के रजिस्ट्रेशन फाइनली 3.5 लाख के पहुँच चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और आप सभी को बता दूं कि अमरनाथ यात्रा 2024 में जो जाने वाले भक्त हैं उन सभी का सेंट्रल पॉइंट जम्मू रहने वाला है, क्योंकि लगभग 90% 80% भक्त जो है वो जम्मू से ही जाएंगे। तो इस बार भाई यात्रा में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ट्रांसपोर्ट को लेकर के, क्योंकि 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन है। तो भाई 3.5 लाख भक्त ट्रैवल करने के पहलगाँव पहुँचेंगे, तो आप कैसे पहुँचेंगे पहलगाँव या बालटाल, क्योंकि भक्त जो है दो ही मार्गों से दर्शन करेंगे, तो पहलगाँव से बालटाल से। तो गाइस उसी के लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से सुनना गाइस, और अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो भाई आपको जो जो तरीके बता रहा हूँ यही तरीके आपको अजमाना है। क्योंकि देखिए अमरनाथ यात्रा 2024 में मोस्टली लोग जो जाएंगे वो जाएंगे भाई अपने ग्रुप के साथ में, ठीक है। ग्रुप होगा लगभग किसी का 5 लोगों का, किसी का 4 लोगों का, किसी का 10 लोगों का, किसी का 15 लोगों का। तो देखिए जो लोग ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई अगर आपको भगवती नगर से डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आपके पास दो ऑप्शन और बसते हैं। दो ऑप्शन क्या बसते हैं, देखिए पहला ऑप्शन ये बसता है कि जैसे आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे वहाँ से क्या आता है, वहाँ से टेम्पो ट्रैवल होते हैं। टेम्पो ट्रैवल लाइक जैसे कि 14 सीटर वाली बस होती है, 16 सीटर वाली जो मिनी बस होती है ना वो बुक हो जाती है। वो क्या होती है, वो बुक हो जाती है कि 15,000, 16,000, 17,000 में बुक हो जाती है अगर आप 12 से 13 लोग हैं, 15 लोग हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर वो आपकी 15-16 हज़ार में बुक होगी तो पर हेड जो आपका है 1,000 रुपये लगता है उसमें भाई, वो पूरी एसी होती है, उसमें आप आराम से बैठ के 1,000-1,200 रुपये पर हेड, 1,500 रुपये पर हेड लगेगा और आप सीधा पहुंच जाएंगे भाई अपना बालटाल या पहलगाँव के लिए। तो वहां से भी टैक्सी बुक होकर चलती हैं, आपको बता दूं भगवती नगर के अलावा, क्योंकि भगवती नगर बेस कैंप का मतलब क्या है आप सभी को पता है, इस साल इलेक्शन है तो मोस्टली बस इलेक्शन में भी लगी है, उसके बाद भी 150 बसें जो हैं वो लगा रखी हैं भाई सिर्फ भगवती नगर और से बालटाल और पहलगाँव के लिए, ठीक है। तो हो सकता है भाई ज़्यादा लोग पहुँच जाएँ तो भाई बस से ना मैनेज कर पाएँ, क्योंकि 150 बसों में भाई उन्हें ले जाना भी और लाना भी है, मतलब कि 75 बसें एक साइड से, 75 बसें एक साइड से। लेकिन अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप जम्मू से जो मैंने आपको बताया कि मिनी बस बुक कर लीजिएगा भाई, वहाँ पे शेयरिंग में मिल जाती है, जैसे कोई 5 लोग हो गए, 4 लोग कोई हो गए, 3 लोग कोई, 1 लोग और, तो शेयरिंग में भी आप वहाँ से जा सकते हैं। तो भाई अगर आपको ज़्यादा लोग हैं तो जम्मू से डायरेक्ट पता कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ये है कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप भगवती नगर जाएंगे तो भगवती नगर जाने में क्या है कि आपको नेक्स्ट डे की बुकिंग मिलेगी, जैसे कि आज मान लिया आप सुबह 8 बजे पहुँच गए है ना जम्मू, तो अगले दिन की आपको बुकिंग मिलेगी, सेम डे की बुकिंग नहीं मिलती है, क्योंकि जम्मू से सिर्फ 10 बजे तक ही लास्ट बसें निकलेंगी जो कि आपके लिए श्रीनगर के लिए निकलेंगी, जो आपके बालटाल पहलगाँव के लिए निकलेंगी। तो याद रखिएगा भाई 10 बजे के बाद बस नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि रात में ट्रैवल होता नहीं और 10 से 12 घंटे का वो फाइनली रूट होता है। उसके अलावा अगर आप वहाँ से नहीं जा पा रहे हैं तो आपका सेकेंड रूट है वो है आपका उधमपुर। आप जम्मू से ही नेक्स्ट आपको स्टेशन पड़ेगा उधमपुर का, उधमपुर उतर के आप वहाँ से आपको बनिहाल के लिए बस मिल जाएगी, आप बनिहाल पहुँच जाइएगा, बनिहाल से आप ट्रेन लेके आपको अगर पहलगाम जाना है तो अनंतनाग उतर जाइएगा, और अगर आपको बालटाल जाना है तो आप श्रीनगर उतर जाइएगा, जो कि बालटाल और पहलगाम की यात्रा के लिए बढ़िया है। थर्ड ऑप्शन क्या गाइस, अगर आपको जम्मू से डायरेक्ट बस ना मिले तो आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करिएगा, आप जम्मू से पकड़िएगा रामबन के लिए। रामबन के अंदर ही संगलदान का रेलवे स्टेशन पड़ता है जो कि अभी फरवरी में फाइनली चालू हुआ है। तो संगलदान जैसे आप पहुंचेंगे संगलदान से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी, कहाँ के लिए, आपको अनंतनाग के लिए और श्रीनगर के लिए। जिन्हें बालटाल जाना वो श्रीनगर, जिन्हें जाना पहलगाम वो अनंतनाग उतर जाएंगे। वहाँ से आपको टैक्सी बस सब मिल जाती है, बहुत सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो भाई ये तो है उन लोगों के लिए जो बाय रोड जाना चाहते हैं। अब देखिए जो लोग बाय प्लेन जाना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं कि भाई आपका जो नियर एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा श्रीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट से आपका बालटाल लगभग 90 किलोमीटर है, भाई पहलगाम भी 90-92 किलोमीटर है, तो वहाँ से भी आपको टैक्सी और बस मिल जाती है। और आपको बता दूं अगर आपकी यात्रा चालू है 29 तारीख को तो आप फाइनली 27 तारीख को जम्मू पहुँच जाइएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 को जम्मू पहुँचेंगे, 28 को आप अपना पहलगाम या बालटाल पहुँचेंगे, 29 को फाइनली मॉर्निंग में आपकी यात्रा चालू हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। RFID कार्ड आपको जम्मू रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, वैष्णो धाम में मिल जाएगा जो कि जम्मू में ही पड़ता है, उसके अलावा भगवती नगर बेस कैंप में मिल जाएगा, बालटाल में मिल जाएगा, पहलगाम में मिल जाएगा, श्रीनगर एयरपोर्ट में मिल जाएगा। तो RFID कार्ड का कोई इशू नहीं होने वाला है। RFID कार्ड के लिए आप लोगों को बस ध्यान क्या रखना है, अपना भाई जो आपको स्लिप दी होगी ना रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो और एक ओरिजिनल ID प्रूफ, दो चीज़ आपकी लगेगी और आपको भाई RFID कार्ड इशू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई अमरनाथ यात्रा 2024 से रिलेटिव, उन भक्तों के लिए जो कि अमरनाथ श्री बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं।
तो कैसी लगी आपको वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।